चलो गाइस इट्स टाइम टू लीव। तो बजा दे इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम विदाउट यू माय फ्रेंड गेम पे कंसंट्रेट करते हैं। एंड आई टेल यू ऑल अबाउट इट व्हेन आई सी यू अगेन। ऊपर का मैसेज थोड़ा दिख नहीं रहा है, ठीक है, जो डायनेमो ऊपर मैसेज किया था। तो मैं बताता हूँ, अभी बता देता हूँ हाइड्रा किसने किसने लीव कर दिया है। तो हाइड्रा लीव कर दिया, एस एन नॉक्स पता नहीं ये तो कब छोड़ा, रिमिक्स छोड़ा जिसको कल इनवाइट कर रहा था, डेटोना छोड़ दिया है, टॉक्सिक छोड़ दिया है, हनी छोड़ दिया है, सेनपाई, हिटमैन और रेथ अभी छोड़ दिया है। बाकी लोग भी छोड़ देंगे जो भी हाइड्रा में के बंदे हैं। मैं बताता हूँ क्यों ऐसा हुआ है गाइस, वेट फॉर अ सेकेंड। हुआ तुम लोग जितने भी बंदे बोल रहे हो ना गाइस कि तुमने हाइड्रा का फ़ायदा उठाया और तुमने छोड़ दिया, इतने दिन हाइड्रा के साथ रहे, कि डायनेमो ने, पता नहीं तुम लोगों को दिखेगा कि नहीं यार, हाँ दिखेगा ना, अब दिखेगा, छोड़ने पे छोटा हो जाएगा, ठीक है, तो गलत मीनिंग में मत लेना। तो हुआ क्या ना गाइस कि डायनेमो खुद ही बोला सभी को छोड़ने के लिए, क्लैन हाइड्रा क्लैन जितने भी 20-25 बंदे छोड़ रहे हैं, जितनी भी लाइनअप थी ना हाइड्रा की, जितनी भी मोबाइल लाइनअप थी, सबको निकलना पड़ेगा सिर्फ फर्स्ट लाइनअप को छोड़कर। एक लाइनअप है हाइड्रा की, मुझे खुद चारों बंदे का नाम नहीं पता है हाइड्रा के, और तुम लोगों को भी पता नहीं, पता होगा कि नहीं फर्स्ट लाइनअप में हाइड्रा के कौन से बंदे हैं। उन लोगों को वो चार प्लेयर छोड़ के और एम्यूलेटर के प्लेयर छोड़ के, एम्यूलेटर के जितने भी बंदे हैं उन लोगों को छोड़ के, मोबाइल जितनी भी टीम थी जो भी कॉम्पिटिटिव खेलती थी सबको हाइड्रा से निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं डायनेमो का मैसेज कल का दिखाता हूँ। एज़ यू ऑल नो ओनली वन लाइनअप को गो फॉर टूर्नामेंट फ्रॉम ईच ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये भी एकदम सही बात है ब्रो, कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी होती है, आप लोगों ने देखा होगा ब्रॉलर में कैसा अभी दिक्कत हुआ था, ETG और ब्रॉलर में खेल नहीं पाया था नोवा लोग, बहुत मुश्किल हुआ था, PH में जाना पड़ा, तो एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक ही लाइनअप जा सकती है, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पे, एज़ यू ऑल नो ओनली वन लाइनअप कैन गो फॉर टूर्नामेंट फ्रॉम ईच ऑर्गेनाइजेशन एंड वी हैव नंबर ऑफ लाइनअप इन हाइड्रा। हाइड्रा में हर बंदा अपना लाइनअप बना रहा था, हर बंदा अपना लाइनअप बना रहा था मैक्सिमम, और सब हाइड्रा के नाम का स्लॉट लेता था सब के सब। इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक अ न्यू ऑर्ग फॉर ईच लाइनअप, वही बात है भाई, 5-6 लाइनअप हो गई थी हाइड्रा में, तो हाइड्रा के नाम यूज़ करके सब स्लॉट लेते थे। मैं नहीं लेता था ब्रो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम कोई भी कस्टम देखते होगे ना, लाइक तुम VE देखते होगे, तुम ई स्पोर्ट्स नेटवर्क देखते होगे, तुम वॉरमेनिया का इन्विटेशनल टूर्नामेंट देखते होगे, तुम जो भी कस्टम देखते होगे, ई स्पोर्ट्स सब देखते होगे, कोई भी ई स्पोर्ट्स अरीना, वॉरक्राफ्ट गेमर गेम रूम, तुम कहीं भी देखते होगे ना ब्रो, तो वहाँ कभी भी तुम नहीं देखोगे कि मेरे नाम के आगे हाइड्रा लिखा रहता था, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसे ही 4-5 स्लॉट हाइड्रा के नाम का निकलता है, हम लेंगे तो वैसे भी हमको हटा दिया जाएगा, इसीलिए मेरा फोर्किंग के नाम से रहता था। तो जो भी बंदे बोल रहे हो ना कि तुम लोग मतलबी हो और डायनेमो को छोड़ दिए, अपना अपना मतलब निकाल के, ऐसा कोई भी बात नहीं है ब्रो, डायनेमो खुद से बोला है छोड़ने के लिए सारे बंदे को। उसके बाद यहाँ पे देखो, एज अ कंक्लूजन ओनली मेन लाइनअप विल स्टे इन द क्लैन। तुम लोगों को ये सब मैसेज अभी मैं क्लैन खोलूँगा इसलिए नहीं दिख रहा, क्योंकि डायनेमो और हनी में बहुत सारा चैट हुआ जिसकी वजह से ये सारा चैट ऊपर थके गायब हो गया गाइस। तो देखो, एज अ कंक्लूजन ओनली मेन लाइन ऑफ विल स्टेज इन द क्लैन एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू लीव द क्लैन एसएफ एंड फोकस। तो ये सारे बंदे के लिए गाइज, मतलब एम्यूलेटर के बंदे लोग को छोड़ के, क्योंकि एम्यूलेटर का कोई लाइनअप कोई टूर्नामेंट नहीं होता है, उन लोग खेलता है बस नॉर्मली, तो उन लोगों के लिए छोड़ के और एक लाइनअप को छोड़ के उनके, और प्रैक्टिस एज अ लॉट ऑफ टूर्नामेंट्स आर कमिंग इन द नियर फ्यूचर। तो डायनेमो खुद ही बोला है सारे बंदे को छोड़ने के लिए, जितने भी तुम जिसका भी नाम देखते, सो ओनली मेन बॉयज़ लाइनअप एंड गर्ल्स लाइनअप विल स्टे। सिर्फ एक बॉयज़ लाइनअप और एक गर्ल लाइनअप और हाइड्रा के एम्यूलेटर प्लेयर और डायनेमो, बस इतने बंदे रहेंगे हाइड्रा में, बाकी कोई भी नहीं रहेगा हाइड्रा में। रेस्ट ऑल प्लेयर्स इट्स बिगिन ग्रेट प्लेजर टू हैव यू गाइस। उसमें कोई भी ऐसा सीन नहीं है कि डायनेमो से मेरा कल रात में भी 2 बजे बात हुआ, खुद ही डायनेमो मैसेज किया था, फिर शाम में भी बात हुआ था, तो हम ऐसा, तुम मेरा पर्सनल बात सुनोगे तो भाई तुमको थोड़ा सा ऐसा सीरियसली बता रहे हैं, हाइड्रा में तब से जब हाइड्रा बना था गाइस, पता है, तो थोड़ा सा ऐसा ख़राब लगता है गाइस, मैं क्या बोलूँ, सीरियसली ऑब्वियसली थोड़ा सा ऐसा ख़राब लगता है कि बहुत पहले से था हाइड्रा में, नॉट एज अ कॉम्पिटिटिव प्लेयर, नॉट एज अ प्लेयर, मैं प्लेयर से भी नहीं आया था ब्रो, कभी भी प्लेयर
मैंने डायनमो को जिस दिन मुझे हाइड्रा में आना था ना, मैंने डायनमो को कॉल मारा था, दोस्त था मेरा डायनमो बहुत पहले से, बहुत ज़्यादा पहले से, जब डायनमो का 20,000 सब्सक्राइबर था, जब हाइड्रा बना भी नहीं था, तो हम डायनमो को कॉल किए थे, हम तुम लोग को आज बता रही है बात, हम तो ऐसे ही मजाक मजाक में बोलते थे 1 vs 99 वाला हाइड्रा का, कैसे हाइड्रा में आए थे, तो हम डायनमो को कॉल किए थे, तो डायनमो को उस वक्त अकाउंट हैंडल वो करता था कौन, डिवाइन हैंडल करता था, तो डिवाइन हैंडल करता था, हम बोले डिवाइन से इनविटेशन एक डलवा, हमको हाइड्रा में आ रहे हैं ब्रो, उसी टाइम हम हाइड्रा में आ गए गाइस। तो ऐसा सीन था, हम ना ही प्लेयर के वजह से आए थे, कभी नहीं, हम दोस्ती की वजह से आए थे, तो थोड़ा सा बुरा लगा हमको पर्सनली कि हम, बाकी सारे बंदे भी हैं, मतलब हम किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, सब हैं हाइड्रा में अभी भी, बाकी मेरे साथ जितने भी थे हम अपना मोबाइल में शिफ्ट किए हैं। अगर तुम लोग बोलोगे ना कि हाइड्रा ही मेरा है भाई, ये सब में कुछ नहीं मिलेगा कॉम्पिटिटिव, मैंने चेक किया सारे कमेंट्स चेक किया अपना कम्युनिटी टैब का, तो भाई तुम्हें भी पता है ना, मैं एम्यूलेटर से ज़्यादा अच्छा मोबाइल पे अब खेलने लगा हूँ, बहुत ग्राइंड किया, कुत्ते जैसा ग्राइंड किया, कभी नहीं एम्यूलेटर का एक बंदा ना उतर के T1 में मार सकता है। तुम्हारा कौन सा फ़ैन फेवरेट टीम है, तुम जिसको फ़ैन फेवरेट बोल रहे हो, तुम किसके फ़ैन हो भाई, हम सबको मारे हैं भाई T1 में, हम सबको मारे हैं भाई, तुम कभी नहीं सोचे होगे भाई कि गुरु ऐसा खेलेगा। अब हम ना उस ड्रीम को ना ऐसा छोड़ नहीं सकते हैं कि चलो साला अब उसको छोड़ते हैं और हम लगाते हैं या फिर एम्यूलेटर में खेलते हैं फिर मोबाइल से सिर्फ स्ट्रीम करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा ब्रो। हम अपना इतना जब ग्राइंड किए, लास्ट 6 महीना से गाड़ फाड़ के मेहनत की है भाई, गाड़ फाड़ के मेहनत की, हम ऑब्वियसली हम अपने हिसाब से सबसे बेस्ट प्लेयर स्काउट को मानते हैं, जब वो बंदा तारीफ़ कर सकता है मेरा, तो हम उस चीज़ को ना एक ड्रीम लेके चलते हैं भाई कि चलो हम खेलते हैं ना, हमको बहुत अच्छा लगता है, सब प्लेयर तारीफ़ करता है, बट हम क्यों छोड़ेंगे ये, हमको कॉम्पिटिटिव नहीं छोड़ना था ब्रो, हम कैसे बोले, हमको हाइड्रा छोड़ना पड़ेगा एट द एंड। डायनमो खुद ही बोला है मेरे से, कल बात हुआ, डायनमो बोला है कि छोड़ना पड़ेगा, और ये मेरी 1% की भी मर्ज़ी नहीं है कि मुझे हाइड्रा में रहना है या फिर नहीं रहना है, डायनमो खुद ही बोला कि छोड़ना पड़ेगा, तो मुझे छोड़ना पड़ेगा गाइस। तुम क्योंकि तुमने भी मैसेज देखा, जो भी न्यू बंदे ज्वाइन किए हो 5 मिनट पहले का देख लेना तुम लोग गाइस, मुझे हाइड्रा छोड़ना पड़ेगा और बाकी सारे बंदे को छोड़ना पड़ेगा, ये सब दिखाता हूँ हाइड्रा, आयरिस, मारियो, ये जितने भी हैं ना एम्यूलेटर के सारे बंदे रहेंगे गाइस, स्लेयर हो गया, ये RSH रिहाइड्रा जो भी था, ड्रैगन, टोरेटो, ये लोग सबको छोड़ना पड़ेगा, भोली, इन लोगों को छोड़ना पड़ेगा, RS हाइड्रा, नो मर्सी RS हाइड्रा, जॉनी, सीरियस वाइटी, रूथ, मार्शल, मोजो, इन लोगों को सबको छोड़ना पड़ेगा हाइड्रा में, थोड़े दे बच जाएंगे अल्फा से, ना बीटी से, ना एम्परर से, ना डाइनो से, डाइनो मेरा सबसे पहला दोस्त था, मेरा गेमिंग में मेरा सबसे पहला दोस्त था, जब 20,000 सब्सक्राइबर डाइनमो का था, और तो तब से हम लोग का दोस्ती है, जब 20,000 डायनेमो का था और मेरा गेमिंग चैनल पे 16,000 था सब्सक्राइबर, मेन चैनल पे 1,00,000 सब्सक्राइबर था, तब का बेचारा नाइटबॉट क्या लिखेगा हाइड्रा पार, तो तब से था ऐसा गाइस, तब से दोस्ती है और ये दोस्ती ख़त्म नहीं होगा, बस यही मुझे बोलना था, और सबको ऑल द बेस्ट जो भी हाइड्रा की मेन लाइन पे मिलते हैं ब्रोस, एकदम स्पोर्ट्समैन वाला फीलिंग, ठीक है, तुम लोग से मिलते हैं, फाइट करते हैं, अच्छे से फाइट होगी, देखते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग, और फोर्किंग इधर चलो गाइस, इट्स टाइम टू लीव, आई स्टिल लव यू ब्रो, चन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लगे, thank you.
चलो गाइस गेम खेलते हैं। बहुत दिन थे भाई हाइड्रा के साथ, इतना अच्छा कनेक्शन बन गया था ना ब्रो, क्या बताएं। इस मैच के बाद हाइड्रा लीव करना भी भूल गए शायद, लीव पता नहीं कर दिए क्या, कर दिए क्या, नहीं किए इस मैच के बाद शायद, अगर नहीं लीव किए तो इस मैच के बाद हम कर देंगे गाइस। अरे बहुत बहुत मस्त याद है गाइस, पता है हाइड्रा का बहुत मस्त याद है हाइड्रा को, तुम लोग देखोगे बहुत तगड़ा याद है भाई, हम लोग ने बहुत एंजॉय किया भाई, तगड़ा एंजॉय किया हम लोग, हम और डायनमो सब बहुत एंजॉय किए गाइस, हम डायनमो सब लोग सब मिस करेंगे गाइस, सब मिस करेंगे गाइस। So guys, ये बुक कोई ना ब्रो, अब होता है हम एम्यूलेटर प्लेयर थे ना गाइस, तो मेरा कभी सीन ही नहीं था, हम कभी सोचा ही नहीं था कि हमको छोड़ना पड़ेगा हाइड्रा, या फिर किसी भी वजह से कोई भी बोलेगा हमको छोड़ने के लिए, हम कभी भी नहीं सोचे थे हमेशा, कोई नहीं हम ये भी नहीं कभी सोचे थे कि कॉम्पिटिटिव में कभी खेलेंगे, कभी कभी नहीं सोचे थे कि हम स्काउट के सामने खेलेंगे या फिर मॉर्टल के सामने खेलेंगे, या फिर कभी इन लोगों से फाइट होगा मेरा एम्यूलेटर के, एम्यूलेटर छोड़ के मोबाइल में खेलेंगे और इन लोगों से कभी फाइट होगा, कभी नहीं सोचे थे। और इस मौका को कौन छोड़ना चाहता है भाई, जब आपकी लाइनअप आगे बढ़ रही है। तो गाइस इसी तरह की फाइट के बारे में मुझे बताने के लिए मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप उसके साथ आपको एक शाउट आउट मिलेगा और आप पेटीएम कैश भी जीत सकते हैं। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लव यू ऑल, मेरी बाकी की वीडियो जरूर देखिए और लाइक जरूर कीजिए।